चलिए फिर मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर हैं अवेलेबल तो वो तो देखें ही देखें, उसके साथ ही साथ लिंक को शेयर भी करते रहें, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास ये जो दिया हुआ है गारंटर वेवर। अब ये गारंटर वेवर क्या होता है, तो देखो गाइस गारंटर वेवर वो होता है जैसे हम किसी भी चीज़ को परचेस करते हैं, इस आप जैसे आपने लोन पर कोई भी चीज़ परचेस की, अब लोन पर कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो आपको एक गारंटर चाहिए होता है वो लोन के लिए, कि भाई अगर आप मान लो लोन लेते हो बैंक से और आप उस लोन को नहीं चुकाते हो तो आपको गारंटी कौन देगा कि आप सही पर्सन हो लोन देने के लिए या नहीं हो। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक गारंटर लाइक प्रूफ के तौर पर एक व्यक्ति होता है, उसको बोलते हैं गारंटर। तो गारंटर को वेवर कैसे, अगर मान लो कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाता बैंक का तो गारंटर को छोड़ दिया जाए या फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो इसी के ऊपर पूरा पैसेज है। तो चलिए यहाँ पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे तो देखिए एंटरप्रेन्योर साइनिंग गारंटी विल हैव टू बी सर्टेन दैट द बिजनेस विल नॉट फ्लाउंडर। अब यहाँ पर साथ ही साथ मैं आपको वोकैबुलरी भी लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होती रहे। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास एक जो वर्ड दिया हुआ है फ्लाउंडर। अब ये जो फ्लाउंडर वर्ड है इसका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो इस फ्लाउंडर वर्ड के यहाँ पे दो मीनिंग होते हैं। तो एक तो यहाँ पे होता है ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है, स्पेसीज जो मछलियों की जो प्रजातियाँ होती है उसका जो ग्रुप होता है उसको फ्लाउंडर बोलते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा मीनिंग क्या होता है, दूसरा मीनिंग इसका बन जाता है इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी कह सकते हो आप इसको, या फिर कहें तो प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कह सकते हैं, वो नॉर्मल लैंग्वेज में से क्या बोलेंगे, अशुद्धि, ठीक है। तो क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, फटाफट ध्यान से देखते चलो, पूरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी लोग अभी एसबीआई क्लर्क का पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिए। तो एंटरप्रेन्योर्स होता है उद्यमी, तो एंटरप्रेन्योर्स साइनिंग गारंटी विल हैव टू बी सर्टन दैट द बिजनेस विल नॉट फ्लाउंडर, मतलब भाई एंटरप्रेन्योर साइनिंग गारंटी विल हैव टू बी सर्टेन, तो ये निश्चित करना पड़ेगा जो एंटरप्रेन्योर्स अगर कोई गारंटी देते हैं कि बिजनेस में आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपहोल्डिंग, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अपहोल्ड कर रहा है, अपहोल्ड मतलब होता है सामने लाना, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को खोलना, ठीक है। तो क्या होता है अपहोल्डिंग, यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ मैं इंग्लिश के साथ, मतलब यहाँ पर मैं ग्रामर भी बता रहा हूँ वोकैबुलरी भी बता रहा हूँ। अपहोल्डिंग मतलब सामने लाना, किसी भी चीज़ को ओपन करना, तो ये यहाँ पर होता है इसका मतलब सामने लाना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को। अपहोल्डिंग क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स हैं, अब क्रेडिटर्स कौन होता है भाई, जो एक तरीके से पैसे देने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, जो क्रेडिट करता है पैसा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, क्रेडिटर्स राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट पर्सनल गारंटीज़, ठीक है, तो पर्सनल गारंटीज़ के अगेंस्ट में टू लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम टू अ कॉरपोरेट बोरोवर, मतलब जो क्रेडिटर है वो किसको प्रोवाइड करता है लोन, भाई सीधी सी बात है जो कॉरपोरेट बोरोवर्स हैं। कॉरपोरेट बोरोवर्स कौन होता है, जैसे लाइक कोई भी कंपनी है, लाइक हम रिलायंस की बात करें, टाटा की बात करें, ठीक है, अगर ये बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, बोरोवर्स, जो उधार लेने वाला, लेंडर कौन होता है, उधार देने वाला, ठीक है। बोरोवर्स helps lift the uncertainty over extend, तो ये क्या है, helps lift uncertainty, तो इससे क्या होगा, एक uncertainty कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब कहने का क्या है, upholding creditors right to proceed against personal guarantors, तो जो upholding rights, जो creditors है उसके rights को आगे बढ़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वही बताने की कोशिश की है कि भाई अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, लोन दिया है, तो आप उसको किस तरीके से वापस ले सकते हो, उसको आगे बढ़ाने की यहाँ पर बात हुई है। तो अनसर्टेनिटी ओवर द एक्सटेंड, अब यहाँ पे एक वर्ड और आपको वोकैबुलरी देखने को मिल रही है एक्सटेंड, तो एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड का मतलब होता है लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें, लिमिट कहें या फिर किसी भी चीज की जो सीमा होती है हम उसकी बात करें तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड। तो पूरा पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंस यहां पर रखता है, टू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल लेंडर्स कैन परस्यू नॉट ओनली कॉरपोरेट डेटर्स बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स, तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि ना सिर्फ ये बात कॉरपोरेट्स के लिए है बल्कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अगर मार्केट में, जैसे मान लो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी लोन लेता है तो उसको भी तो भाई एक तरीके से अपहोल्ड करना पड़े, उसकी भी तो जो पैसा आपने दिया है बैंक ने वो रिटर्न तो लेगी ना, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बैंक को। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जो दो जजों की जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन लोगों ने क्या करा है कि भाई जो लोन लेने वाले, मतलब जो जिसने लोन दिया है उसको रिटर्न भी तो चाहिए,
तो उसके जो राइट्स हैं उसको अपहोल्ड किया है और बताया कि भैया आप इसको यूज़ कर सकते हो, अपने अधिकारों को यूज़ कर सकते हो और अपना लोन आप वापस ले सकते हो। आगे देखते हैं, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। इनेबल मतलब होता है सक्षम बनाना, किसी भी व्यक्ति को सक्षम बनाना। हु हैड फर्निश्ड पर्सनल गारंटीज टू इनेबल फ्लो ऑफ करेंसी, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने जो गारंटर बना हुआ है तो उसने क्या किया है, जो करेंसी का जो फ्लो है उसे इनेबल किया है, उसे सक्षम बनाया है। तो सक्षम बनाने का मतलब समझते हो आप लोग, भाई सीधी सी बात है, जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते हो और आपको कोई जानता नहीं है तो बैंक क्या करेगा, भाई लोन नहीं देगा। फिर आप क्या करोगे, किसी फेमस या कोई बिजनेसमैन व्यक्ति को पकड़ कर ले जाओगे कि भाई ये इसको मैं जानता हूँ और ये मेरा गारंटर है तो मुझे आप इसके बिहाफ पर लोन दीजिए, ठीक है। तो जो गारंटर है वो क्या कर रहा है, आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, तो वो एक तरीके से करेंसी का फ्लो कराने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक सभी को क्लियर है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इनेबल द फ्लो ऑफ करेंसी, सॉरी यहाँ पर देखते हैं, क्रेडिटी टू द कंपनी। क्रेडिट टू द कंपनी मतलब जो क्रेडिट है, जो पैसा है उसका फ्लो कंपनी को कराने के बीच में एक तरीके से सहायता करता है जो गारंटर होता है। दे हैड स्टूड स्योरिटी फॉर, अब कोई भी गारंटर है तो वो जिस कंपनी के बिहाफ पर खड़ा होगा, जिस कंपनी के फेवर में खड़ा होगा उसी को तो सपोर्ट करेगा ना। फिर आगे बढ़ते हैं, दिस ऑट टू बी सिग्निफिकेंट, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो देखो गाइज, फटाफट ज्वाइन करते जाओ, लिंक शेयर करते जाओ बाकी लोगों के साथ में भी। तो जितने भी लोग यहाँ पे पूरे शो को देख रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन करते जाओ, बाकी लोगों को भी लिंक शेयर करते रहो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत ही चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं, ग्रामर वोकैब सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे कंपनी दे हैड स्टूड सिक्योरिटी फॉर, मतलब जिस कंपनी के लिए वो लोग खड़े हुए हैं, जिस कंपनी के बिहाफ पर उन्होंने गारंटी दी है उसकी बात हुई। दिस ऑट टू बी सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है। कंसिक्वेंसेस टू फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ होगी। आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी अंडर अ माउंटेन ऑफ बैड लोन्स, तो जो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक बैड लोन्स के पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक। बैड लोन्स मतलब क्या होता है, आपने किसी को लोन दे दिया और आपका पैसा वापस नहीं आ रहा, सो दैट इज़ नोन एज बैड लोन्स, ठीक है। तो उसको बोलेंगे बैड लोन्स। तो यहाँ तक सभी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बैड बाय हेल्पिंग एक्सपेडिट, तो एक्सपेडिट का मतलब क्या होता है गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट्स सी एक्सपेडिट। तो एक्सपेडिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्पीड कर देना, स्पीड बढ़ा देना। क्या बोलोगे आप इसको, दिस इज नोन एज स्पीड अप, ठीक है। स्पीड अप मतलब आगे बढ़ाना, ठीक है, या फिर शीघ्र, जल्दी, तीव्र तरीके से कोई भी काम करना, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेडिट या फिर स्पीड अप कर देना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे यहाँ तक हो गया हमारा। By helping expedite resolution of such stress assets, अब यहाँ पर बात क्या हुई है, यहाँ पर ये हुआ है कि भाई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है, अगर जो गारंटर है वो भी हेल्प करेगा कि भाई आपने जो पैसा दिया है उसे किस तरीके से वापस लें, तो इससे क्या होगा, ये चीज़ एक्सपेडिट करेगी कि जो लोन है वो वापस लोग चुकाएंगे, इसमें शीघ्रता आएगी और तेज़ी से काम होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ये रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, द टू जज बेंच वॉज कंसिडरिंग अ क्लच ऑफ पिटीशन चैलेंजिंग द गवर्नमेंट्स 2019 नोटिफिकेशन, मतलब जो पिटीशन है, पिटीशन का मतलब होता है गाइस याचिका, जैसे आपने किसी भी चीज़ के विरोध में अगर आप कोई याचिका लगा रहे हो सुप्रीम कोर्ट में तो उसे क्या बोलेंगे, पिटीशन बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो जो बैंक्स जो हैं उन लोगों ने पिटीशन लगाई हुई है और किसके खिलाफ लगाई है, सरकार ने जो नियम बनाया था 2019 में, ये जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन क्या था, दैट मेड पर्सनल गारंटर्स अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल हु कुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड एज पार्ट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट बाय लेंडर्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कॉरपोरेट एंटिटीज। अब यहाँ पर हुआ क्या कि गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन था उसमें कहा गया था कि भाई अगर कोई भी गारंटर है तो वो उस एक सेपरेट कैटेगरी में उसको रखा गया था और उसको जो है इंसॉल्वेंट घोषित किया जा सकता है या फिर बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वोकैबुलरी क्या होता है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जो है व्यक्ति होता है, इंसॉल्वेंसी जो होता है उस स्टेट का नाम होता है, ठीक है। जिससे क्या बोलोगे आप लोग, दिस इज कॉल्ड दिवालिया, मतलब जो व्यक्ति पैसा नहीं दे पाता है तो बैंक उसे दिवालिया घोषित कर देता है। यही बात हम लोगों ने यहाँ पे की है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बैंकरप्ट भी वही होता है दिवालिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए।
कोड एज पार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड बाय लेंडर्स। अब ये जो है इंसॉल्वेंसी कौन कर सकता है? लेंडर्स। जैसे मान लो कि SBI बैंक ने किसी को पैसा दिया है और आप उसके गारंटर हो और वो व्यक्ति जो है पैसे नहीं चुका रहा है, तो बैंक आपको भी दिवालिया घोषित कर सकता है। लेंडर्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज इन डिसमिसिंग द पिटीशंस द जज्स मेड, मतलब जो पिटीशन है उसे डिसमिस करते हुए जजों ने क्या कहा, मेड क्लियर दैट द गवर्नमेंट वॉज राइट। वो पिटीशन को जो एक तरीके से डिसमिस करते हुए जज ने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट थी वो करेक्ट थी। द कार्विंग आउट पर्सनल गारंटर्स एज अ सेपरेट स्पीसीज, तो गवर्नमेंट ने जो सेपरेट स्पीसीज की तरह गारंटर को रखा हुआ था, तो ये जो पिटीशन है उसको जो दो जजों की जो बेंच थी उसने खारिज कर दिया एक तरीके से। आगे देखते हैं, गिवन द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड कॉरपोरेट, मतलब एक इंटीमेट कनेक्शन, मतलब एक तरीके से इंटीमेट करना किसी भी व्यक्ति को, है ना, बताना, कुल मिला के इंटीमेट कर देना तो वो होता है इन्फॉर्म कर देना, आसान भाषा में समझो। तो इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड कॉरपोरेट, मतलब जो इंडिविजुअल होता है और जो कॉरपोरेट होता है, जो लोन देने वाला है, लोन लेने वाला है, उसके बीच में जो एक पिलर की तरह काम करता है वो कौन है? वो है गारंटर। तो चलिए आगे देखते हैं, एंटिटीज टू हुम दे स्टूड गारंटी, तो भाई जिसके लिए वो गारंटी देने के लिए खड़े थे तो वो जिम्मेदार तो रहेगा ना। बैंक्स नाउ स्टैंड अ रियल चांस ऑफ रिकवरिंग सब्सटेंशियली मोर फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ अ स्ट्रेस कॉरपोरेट एंटिटी। अभी क्या है, बैंकों के पास एक बड़ा टास्क है कि वो जो पैसा दिया हुआ है वो वापस कैसे लें। जैसे देखो आप लोग, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग आ गए तो समझो कि इंडिया के आधे बैंक तो वैसे ही खाली हो जाने हैं, ठीक है, तो उनसे तो पैसा निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बैंकों के साथ यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ द ऑफ ए स्ट्रेस कॉर्पोरेट एंटिटी एज इन मोस्ट केसेस इट हैज़ द रिलेटिवली एफ्लुएंट, तो बहुत सारे केसेस में ये रिलेटिवली एफ्लुएंट है। अब एफ्लुएंट का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, तो इस बात को समझिएगा। ये आई थिंक 8 नंबर का पॉइंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो एफ्लुएंट आपको पता होना चाहिए, वोकैबुलरी यहाँ पे मैं लिखते चल रहा हूँ। एफ्लुएंट मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या फिर आप कह सकते हो रिच, रिच इन कल्चर, रिच इन मनी, किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ अमीर है, पैसे वाला है, तो उसे क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट, ठीक है। या फिर आप कहोगे कि बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। कोई भी चीज़ है अधिक मात्रा में है तो आप उसे बोलोगे एफ्लुएंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, एफ्लुएंट प्रमोटर्स हु हैव बीन स्टैंडिंग एज इंडिविजुअल पर्सनल गारंटर्स। तो एफ्लुएंट प्रमोटर्स मतलब जो धनी प्रमोटर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, किसी भी दूसरे के लिए प्रमोट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जैसे मान लो कि अंबानी जी हैं, और अगर वो प्रमोट करें कि भाई आप इस व्यक्ति को लोन दे दो, मैं इसके लिए गारंटर बनता हूँ, तो कौन बैंक मना करेगा बैंक लोन देने के लिए? तो जो एफ्लुएंट प्रमोटर्स हैं who have standing as individual personal guarantors for the loan extended, तो लोन बढ़ाने के लिए, to the companies they promote, तो जिस कंपनी को प्रमोट करते हैं उसके यहाँ पर बात कर रहे हैं। भाई जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मोदी जी अगर यहाँ पर प्रमोट करेंगे भाई रिलायंस को और लोन दे दो, तो कोई बैंक मना करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, बाद में मान लो रिलायंस पैसा ना चुकाए तो फिर प्रॉब्लम किसको होगी? वो मोदी जी को भी तो घेरेंगे ना बीच में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक प्रमोटेड तक हम लोगों ने कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, सेवरल कॉरपोरेट लीडर्स आर सेट टू बी इम्पैक्टेड, तो बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट लीडर्स है। पूरे मतलब क्या है इस पूरे सेंटेंस का? सेवरल कॉरपोरेट लीडर्स आर सेट टू बी इम्पैक्टेड, तो इस बात से जो बहुत सारे कॉरपोरेट लीडर्स हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा हुआ है इम्पैक्ट, 9 नंबर का वर्ड है, तो इसको देखते हैं। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट, या फिर कहें तो प्रभाव। इफेक्ट हो सकता है, प्रभाव हो सकता है, या लिंक शेयर करो यार, और भी लोगों के साथ, बहुत कम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हो मुझे। द प्रमोटर्स ऑफ मैनी डिफॉल्टिंग, तो बहुत सारे डिफॉल्टिंग्स, तो सेवरल कॉर्पोरेट लीडर्स साइड टू बी इम्पैक्टेड, बहुत सारे जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उनको प्रभाव पड़ने वाला है, प्रभावित होने वाले हैं। द प्रमोटर्स ऑफ मैनी डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स, तो जो बहुत से डिफॉल्टिंग कॉर्पोरेट्स के जो प्रमोटर्स थे, विच आर फेसिंग एक्शन अगेंस्ट IBC, तो उनके ऊपर भी IBC की जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, उससे प्रभावित हो सकते हैं। मतलब अब कोई अगर ऐसा रहेगा
तो जो प्रमोटर है वो डरने लगेगा ना कि भाई मैं किस हिसाब से प्रमोट करूँ, कल को कुछ होगा तो मेरे ऊपर केस बनेगा। हैड फर्निस्ड गारंटीज फॉर थाउजेंड्स ऑफ करोर्स इन लोन्स अवेल्ड बाय द कंपनीज दे रन, मतलब ये जो प्रमोटर्स हैं वो हजारों करोड़ रुपए का लोन जो है इन कंपनीज को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हो रही है, उससे बहुत सारे कॉरपोरेट लीडर जो हैं उनको प्रभाव झेलना पड़ेगा। आगे देखते हैं, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलोन हैड सबमिटेड इन द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट मतलब सीड्स कोर्ट। तो ये जो वोकैबुलरी बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अपेक्स आप इसे बोल सकते हो पैरामाउंट, पैरामाउंट भी यही होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हो जेनिथ, उच्च चोटी जो कहते हैं, या फिर पीक कह सकते हो, या फिर हिंदी में आप इसे बोलोगे सीर्स। तो अपने पास जो अपेक्स कोर्ट है, सीर्स कोर्ट है, वो कौन है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। दैट इट हैड सर्व्ड डिमांड नोटिस एग्रीगेटिंग टू मोर दैन 39,000 करोड़, मतलब SBI अकेले ने पिटीशन में कहा है, नोटिस दिया है कि 39,000 करोड़ रुपए का लोन हमने अकेले दिया हुआ है प्रमोटर्स के कहने पर और गारंटर्स के कहने पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर, यहाँ पर जो एग्रीगेटिंग जो वर्ड है, एग्रीगेटिंग का मतलब क्या होता है, कुल मिलाकर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब होता है असेंबल, सभी चीज़ों को मिलाकर, किसी भी चीज़ को असेंबल करके, या फिर एडेड भी कह सकते हो, ये इसके सिनोनिम्स भी आपको मैं बताते चल रहा हूँ। एडेड मतलब कुल मिलाकर, ये कह सकते हो आप इसे, कुल मिलाकर कितना पैसा है, 39,000 करोड़। टू इंडिविजुअल्स हु हैड साइंड एज गारंटर, मतलब ये किसके कहने पर दिया हुआ है, जो गारंटर थे उनके कहने पर इतना पैसा SBI अकेले ने दिया हुआ, तो बाकी बैंकों ने कितना दिया होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। आगे देखते हैं, गारंटर्स फॉर क्रेडिट प्रोवाइडेड कॉरपोरेट एंटिटीज, द जज ऑल्सो क्लियर दैट ईयर ओवर अनदर इशू दैट इज बाउंड टू स्ट्रेंथन द क्रेडिटर्स पोजिशन इन ऑल ऑन गोइंग फ्यूचर एंड इवन कम्प्लीटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। मतलब सीधी सी बात है कि जो बेंच है उसने कह दिया कि भाई आप अपने तरीके से आगे प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हो, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सीधी सी बात है कि जो बैंक हैं और जो पैसा वापस लेने वाले लोग हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके से उनका जो पावर था उसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, या स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब भी होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। द बेंच रूल्ड दैट द अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान फॉर द कॉरपोरेट डेटर्स डज नॉट एक्सटिंग्विश द पर्सनल गारंटर्स लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी मतलब देनदारी, ठीक है। तो जो देनदारी होती है उसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं, जिसका जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो उसके ऊपर ऋण बनता है, ऋण कह सकते हो। लाइबिलिटी मतलब एक तरीके से डेप्ट या कर्जा कह सकते हो। द बेंच रूल्ड दैट द अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान फॉर द कॉरपोरेट डेटर्स डज नॉट एक्सटिंग्विश द पर्सनल गारंटर्स लाइबिलिटी। तो चलिए देखिए, विच इट सैड अराइजेस आउट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कैसा होता है, एक तरीके से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह बात हुई है। लेंडर्स कैन नाउ प्रोसीड अगेंस्ट द गारंटर्स टू इनहेंस रिकवरी, मतलब अल्टीमेटली बात यही हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, अगर कोई कॉरपोरेट जिसके कहने पर आपने लोन दिया था और वो कॉरपोरेट या वो कंपनी आपका लोन नहीं चुका रहे हैं, तो आप कार्रवाई किसके ऊपर कर सकते हो, गारंटर के ऊपर भी करिए और उस कंपनी के ऊपर भी करिए, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो आप रिकवरी तेज करो, कैसे भी करो, मतलब आप जो लोन देने वाली कंपनी है उससे लो, या फिर जो गारंटर बना था बीच में उसको भी लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, इनहेंस रिकवरी गिवन दैट मोस्ट बैंक्स एग्री टू हेयर कट व्हेन नेगोशिएटिंग अ रिजोल्यूशन प्लान विथ न्यू प्रमोटर्स फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनी, मतलब जो न्यू प्रमोटर्स हैं वो डिफॉल्टिंग कंपनी के बारे में बातचीत पहले ही कर लेते हैं, आगे देखें, मतलब आगे ही कर लें तो आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो। द ओनली रिंकल हेयर इज दैट वंस द रिजोल्यूशन प्लान बिकम लीगली बाइंडिंग, मतलब अगर ये जो रिकवरी प्लान है, अगर एक बार इसमें बोला क्या गया, पूरे सेंटेंस को ध्यान से एक बार फिर से देखो। द ओनली रिंकल हेयर इज दैट, तो एक बाधा यहाँ पर ये क्या है, इज दैट वंस द रिजोल्यूशन प्लान बिकम लीगली बाइंडिंग, अगर ये जो प्लान है, रिकवरी प्लान है, रिजोल्यूशन प्लान है, अगर ये लीगल तरीके से बाउंड हो गया, द गारंटर्स लॉसेस द रेस्क्यू ऑफ रिमेडी फ्रॉम द बोरोवर व्हेन द क्रेडिटर इनवोक्स द पर्सनल गारंटी,
मतलब तो ऐसे में क्या होगा, जो गारंटर होगा सीधी सी बात है उसको तो डर लगेगा ही, और वो एक तरीके से इनसिक्योरिटी में आ जाएगा, और वो एक तरीके से उसको रेस्क्यू नहीं हो पाएगा आसानी से उसका, कि वो बच जाए, रिकोर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, रिकोर्स टू रिमेडी, मतलब वो बच नहीं पाएगा फिर, जो गारंटर है ना वो नॉर्मली निकल नहीं पाएगा। भाई अगर आपने किसी गारंटी ली है सो नाउ यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आपको भी वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आप भी इंसॉल्वेंट हो सकते हो, आप भी बैंकरप्ट हो सकते हो, आपको भी दिवालिया घोषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं जो क्रिएटर्स हैं उनकी तरफ से। इनवोक्स, इनवोक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भड़काना, किसी भी चीज़ को भड़का देना, तो वो होता है इनवोक्स। द पर्सनल गारंटी एंटरप्रेन्योर्स विल नाउ हैव टू थिंक ट्वाइस, तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो उद्यमी हैं उनको दोबारा सोचना पड़ेगा बिफोर साइनिंग अ पर्सनल गारंटी। तो किसी भी व्यक्ति को लोन देने के लिए अगर वो गारंटर बनना चाहते हैं तो उनको दो बार सोचना पड़ेगा कि भाई हम लोन के लिए साइन करें या ना करें, अगर सामने वाला नहीं देगा तो हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अनलेस दे कैन बी वेरी सर्टेन दैट बिजनेस दे फाउंड विल नॉट फ्लाउंडर, मतलब ये हुआ कि वो तब तक ये चीज़ लोन साइन, मतलब एज अ गारंटर साइन नहीं करेंगे जब तक कि उनको ये ना लगे कि भाई ये जो व्यक्ति है या ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो फ्लाउंडर नहीं करेगी या इन फ्यूचर ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, तब तक वो क्या है साइन नहीं करेंगे इस पर, ठीक। तो आई होप गाइस कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितनी चीज़ें आप लोग आज सीखे, कितनी वोकैबुलरी आप लोगों ने आज के सेशन से सीखा है। तो गाइस इस बात का ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा सेशन से आपको फ़ायदा हो रहा है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो अप्रिशिएट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर कमेंट रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए फिर आज के सेशन हम लोग ओवर करते हैं, कल नए सेशन के साथ नए एडिटोरियल के साथ 9 o'clock पर मिलेंगे। तो जितने भी लोग लाइव हैं वो ध्यान रखें 9 बजे हर दिन हम लोग सेशन करेंगे, और आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ज्वाइन करें। सो थैंक यू एवरीवन, लेट्स ओपन द क्लास।